नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा इन्वर्टर बनाएंगे जिसमें हम ना ही कोई आईसी यूज करेंगे और ना ही कोई ट्रांजिस्टर यूज करेंगे और ना तो हम रिले और कैपेसिटर यूज करेंगे। इसमें सिर्फ हम एक पेंसिल का लीड यूज करेंगे। जो पेंसिल का लीड है वह कार्बन का बना हुआ होता है। उसी पेंसिल के लीड को हम यूज करके एक छोटा सा इन्वर्टर बनाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक ट्रांसफार्मर जो कि इसका रेटिंग है 232 12 वोल्ट। और इस ट्रांसफार्मर के जरिए हम यहाँ पर वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे जो कि 12 वोल्ट लेगा और आउटपुट देगा 200 वोल्ट। मतलब कि ये सिर्फ 12 वोल्ट एसी ही लेगा। मतलब कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये एसी में काम करेगा, डीसी में नहीं। तो हमारे पास ये डीसी, तो हमें पहले डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल सा पेंसिल का लीड। चलिए पहले देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है, उसके बाद ये भी जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। पूरा का सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सप्लाई देंगे और देखेंगे आउटपुट में हमें क्या मिलता है। तो अब हम इसको सप्लाई दे रहे हैं। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, देखिए बल्ब जलने लगा। और आप देख सकते हैं जब भी बल्ब जलता है तो वो कांस्टेंट नहीं जलता है, थोड़ा ब्लिंकिंग होता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम इस कॉपर वायर को इस लीड में लगाते हैं तब तो उसमें थोड़ा स्पार्क क्रिएट होता है। उस स्पार्क की वजह से जो हमारा डीसी होता है वो डीसी पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जब भी स्पार्क क्रिएट होता है तो वोल्टेज ऑफ एंड डाउन होता है। मतलब कि जो सप्लाई जा रहा है वो ऑफ डाउन होता है। उसके जरिए जो प्योर डीसी होता है वो अब पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ट्रांसफार्मर है इसको हम अगर पल्सेटिंग डीसी भी देंगे तो ये उसको कन्वर्ट करेगा 12 वोल्ट से 200 वोल्ट। तो इसलिए हम एक पेंसिल के लीड को यूज करके सिंपल से इन्वर्टर बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो कि हम एक पेंसिल के लीड को यूज करके हम एक इन्वर्टर बनाएंगे। तो हमने बना भी लिया। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं जब भी कुछ नया नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप